रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौधरी मार्केट में ऊपरी हिस्से से अचानक चट्टान टूटने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे के आसपास अचानक रुद्रप्रयाग बाजार के चौधरी मार्केट में पहाड़ी टूट गई, जिसमें सड़क किनारे खड़े 3 से 4 दोपहिया वाहनों की मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई। गनीमत रही कि इस दौरान यहां पर ना तो कोई सवारी वाहन थे, ना ही पैदल चलने वाले राहगीर, वरना बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। इस चट्टान के टूटने को लेकर व्यापार संघ के अध्यक्ष राय सिंह बिष्ट और स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की घोर लापरवाही के चलते ये पहाड़ी टूटी है। उन्होंने कहा कि हाईवे के ठेकेदार और अधिकारियों को पहले भी इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग किसी की सुनता नहीं है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जो NH ने जो कार्य किए हैं, बरसात होता है, पानी जो है नाली की जगह जो है सड़क में आ जाता है, जबकि सड़क का पानी नाली के अंदर जाना चाहिए। ये आप आज का हादसा आप देख ही रहे हैं, ये सारा NH का ही दोष देंगे हम। और हमने पहले भी इन लोगों को बताया कि भाई देखिए, शहरों के अंदर आप लोग जो है जहाँ जहाँ जो है चौड़ीकरण कर रहे हो, वहाँ जो है पक्की जो है RCC दीवार डाल दो। लेकिन इन लोगों ने जो है हमारी बात में, आज अगर ये छोटा सा हादसा हुआ, लेकिन भविष्य के लिए अंदर रुद्रप्रयाग के अंदर बड़े हादसे होने वाले हैं, क्योंकि अगर जो है अभी भी नहीं संभले और अभी भी प्रशासन नहीं संभला और NH ने जो है जहाँ जहाँ बस्तियाँ हैं वहाँ जो है ये दीवारें नहीं लगाई, तो ये हादसे जो है ऊपर से मकान आना शुरू हो जाएंगे।